फोनोलॉजिकल डिवेलपमेंट ये स्टूडेंट मुझे इस मॉड्यूल में आपसे बच्चों में फ़ोनोलॉजिकल डिवेलपमेंट के बारे में बात करनी है फोनोलॉजिकल डिवेलपमेंट क्या है द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन लर्न टू अंडरस्टैंड एंड यूज साउंडस ऑफ देयर लैंग्वेज यानी अपनी लैंग्वेज uh, की आवाज़ों को किस तरह वो uh, अदा करते हैं दिस इंक्लूड दो द एबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन स्पीच साउंडस और इसे एम फोनीटिक्स कहते हैं

क्योंकि ये बुनियाद है लैंग्वेज की ये बेस है ठीक है फोनोलॉजिकल डेवलपमेंट इज ग्रेजुअल प्रोसेस और ये ग्रेजुअल प्रोसेस भी है दैट स्टार्ट्स इन इन्फैंसी ये इन्फेंट्स में शुरू होता है इन्फैंसी के दौरान और थ्रू आउट द चाइल्ड हुड जारी रहता है और ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड चिल्ड्रन मे एग्जिबिट कॉमन फोनोलॉजिकल प्रोसेस वो कॉमन फोनोलॉजिकल प्रोसेस को जाहिर कर सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं बचपन के दौरान इसमें क्या कर सकते हैं यानी क्या करेक्टरिस्टिक कर डिलीशन यानी कुछ कॉन्सोडेंट्स के वर्बल्स का डिलीट करना सबस्टिट्यूशन यानी मुतबादल के तौर पे यूज़ करना एंड एंडमेशन एसीम्यूलेट करना विच आर नॉर्मल पार्ट ऑफ स्पीच डिवलपमेंट अब इसकी डिफरेंट एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं चाइल्ड में से वेबिट इन स्टेड ऑफ अ रेबिट तो रेबिट की जगह वो वैबिट कह सकता है और मे डिलीट फाइनल कॉन्सनेंट वर्ड दैट इज कै पर कैट मतलब टीक्स जो कॉन्सनेंट है उसको वो डिलीट कर देगा सो दीज प्रोसेस टाइपिकली डिसर एज चिल्ड्रं स्पीच ग्रो यानी जो ही बच्चों की लैंग्वेज वो ग्रो कर जाती है तो ये चीज़ें डिसपीयर हो जाती हैं और बच्चे की लैंग्वेज रिफाइन हो जाती है

मे स्टिल बी डिफिकल्ट डिफिकल्टाम लंबी साउंड्स या कंपाउंड साउंड्स वो अभी भी मुश्किल होंगी उनके लिए द एक्विजिशन ऑफ साउंड हावअर ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ अ चाइल्ड्स फोनोलॉजिकल कंपिटेंस यानी बच्चे की ये फोनोलॉजिकल जो कंपिटेंस है ये उसका एक एस्पेक्ट है बट विल मॉडिफाई अन लॉफुल यानी वो सेंटेंसेस में जो वर्ड्स आ रहे होते हैं जो उनकी अनलाफुल तरतीब होती है उसको वो बदल सकते हैं वन रिपीटिंग दैम इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस सीक्वेंस मोर लाइक इंग्लिश तो इंग्लिश में जो बच्चों बच्चे सीक्वेंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं यानी वो वर्ड्स के जो सिंटैक्टिक रूल्स और वर्ड्स की तरतीब को जो सेंटेंस में होती है उसके मुताबिक उसको बेहतर कर सकते हैं सेवन ईयर्स रिप्लेस मीनिंगस वर्ड्स सात साल की उम्र में वो मीनंगस वर्ड्स को रिप्लेस कर लेते हैं विद एक्चुअल वर्ड्स और दीज चेंजेस मोस्ट लाइकली रिफ्लेक्ट द चिल्ड्रन इंक्लूजिंग मेटा लिंग्विस्टिक्स स्किल्स तो चूंकि लैंग्वेज एक वेरी कॉम्प्लेक्स एक्टिटिवी एक्टिविटी है और इसमें बहुत सी चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं तो बच्चों की एज के बढ़ने के साथ साथ उनकी लैंग्वेज लैंग्वेज की जो कंपिटेंस है वो बढ़ती जाती है तो फोनोलॉजिकल डिवेलपमेंट फर्दर कंटेन टू कॉन्सेप्ट क्या है मॉर्फोफोनीमिक डिवलपमेंट और स्पीच प्रोडक्शन तो ये नहीं ये था जो मैंने आपके सामने फोनोलॉजिकल डिवेलपमेंट के बारे में आपको उनकी एज के साथ साथ बच्चों में कैसे फ़ोनोलॉजिकल डिवेलपमेंट होती है उसके बारे में आपको बताया और किस किस एज में बच्चे क्या उनमें डेवलपमेंट होती है और कौन से वर्ड्स उनके रिफाइन होते हैं सेंटेंसेस होते हैं और कौन से कंसोनेंट और जो वॉवल्स हैं वो डिलीट या कॉन्ट्यूट सबस्टिट्यूट होते हैं या वो समलेट uh, करते हैं तो ये था आपका मतलब ये